नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी बैंक खाते से घर बैठे मोबाइल नंबर कैसे लिंक करें। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है कैसे घर बैठे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा आपको, आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका खाता नंबर होना चाहिए, और जिस भी मोबाइल नंबर को आप अपने बैंक में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं उस सिम में आपका बैलेंस होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और अपना जो मोबाइल नंबर है वो बैंक खाते में रजिस्टर्ड कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में जो घंटी का बटन है इसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले करना क्या है आपको, आपको अपने मोबाइल की जो है होम स्क्रीन पे आना है, और यहाँ जो मैसेज होता है मैसेज में आपको आना है, जहाँ से आप मैसेज टाइप करते हैं, लोग मैसेज देखते हैं अपन को, उसमें आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको ये प्लस के निशान में क्लिक कर देना है। अब हमको यहाँ पे एक नंबर टाइप करना है जिस पे हमको मैसेज भेजना है। वो नंबर मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, वो नंबर आपको है यहाँ पे, आप देख लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए, 09223488888। ये नंबर आप देख सकते हो, इस पे आपको मैसेज भेजना है। और यहाँ आप जो आपको लिखना है उस पे आपको लिखना है, यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखना है REG, देख लीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना है बड़े अक्षरों में REG। फिर उसके बाद स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद जो आपका अकाउंट नंबर है, जो आपका खाता नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जो आपका खाता नंबर है स्पेस देके वो आपको लिख देना है। और जो आपका जो मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, जो आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं उस सिम से आप इसको मैसेज भेज दीजिए। जैसे मैं मेरे मोबाइल में दो सिम है, तो मान लीजिए मेरा नंबर जो मैं रजिस्टर्ड कराना चाह रहा हूँ वो पहली सिम का नंबर रजिस्टर्ड कराना चाह रहा हूँ, तो पहली सिम पे मैं क्लिक करके, अब उसमें बैलेंस भी होना ज़रूरी है, बैलेंस नहीं रहेगा तो मैसेज नहीं जाएगा, आपको उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको सिम सेलेक्ट करके मैसेज भेज देना है, जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, मैंने आपको जो नंबर बताया है स्क्रीन पे आप देख लीजिए ऊपर, और अपना अकाउंट नंबर अच्छे से चेक कर लीजिए और इसको आपको भेज देना है। इस तरीके से आप भेज देंगे, ये मैंने इसको भेज दिया है, ये मैंने अपना यहाँ से नंबर भेज दिया है, देखिए बैलेंस कट भी गया है इस तरीके से, ₹1.20 यहाँ कटा भी है, आप देख सकते हो कि जो मैसेज भेजने का चार्ज कटा है स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो ये तो मैंने जो आपको बताया दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आप जो है अपना मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये SBI बैंक का है। दोस्तों अगर और भी बैंक का आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका जो खाता है वो कौन सी बैंक में है, तो हम और भी वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरीके से आप और भी अपने जो है नंबर लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में घंटी के बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।